تغنى بالقرآن وحي السماء الرب.
करके बाग की जो खाली जगह थी उसमें खेती भी होती थी, उसमें और तरह के बल्ले और दूसरी पैदावार भी होती थी। कि उसको हर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने माल दे रखा था, हर एतबार से उसको खुशहाल बना रखा था। अच्छा, बाग का हाल ये होता है कि कभी फल लाता है, कभी नहीं लाता, कभी ज्यादा फल लाता है, कभी कम फल लाता है। बाग के दरख्तों का भी हाल होता है कि कुछ दरख्त अच्छे फल लाते हैं, कुछ दरख्त बिल्कुल नहीं लाते, कुछ कम लाते हैं। इसके बाग का ये हाल नहीं था। मिलकर जन्नतनी आदत को बुढ़ा, उसके दोनों बाग अपना फल लाए, यानी दोनों बागों ने अच्छा फल दिया। वदन को मीनुशैया, और उन बागों ने फलों में से कुछ कम नहीं किया, फलों में किसी किस्म की कमी नहीं हुई, किसी दरख्त ने कोई फल में कमी नहीं की, पूरी पैदावार दी और पूरे फल दिए। और फज्जरना खिला लहुमा नहरा, और हमने उन बागों के दरमियान एक नहर जारी की थी, यानी उसको पानी की बड़ी सहूलत हासिल थी, पानी कहीं दूर से नहीं लाना पड़ता था, बल्कि उसी बाग के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत आसानी के साथ दरख्तों को पानी पिलाया जा सकता था, और दरख्त बिल्कुल सदाबहार रहते थे और हमेशा सरसब्ज व शादाब रहते थे। वकान लहू समर, और उसके लिए और भी माल था। समर के दो माना मुफस्सरीन ने बयान किए हैं, एक माना फल और दूसरे माना माल और दौलत। यहाँ दूसरे माना मुराद है। उसके पास सिर्फ बाग ही की आमदनी नहीं थी, बल्कि उसके अलावा भी उसके पास बहुत ज्यादा माल था। समर की तनवीन ताजीम के लिए, तकसीर के लिए, वकान रहू समरुन कथीर, और उसके पास बहुत ज्यादा माल था, यानी इन बागान की आमदनी के अलावा भी उसके पास बहुत कुछ माल था। فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا, तो उसने अपने साथी से कहा, उस मालदार ने अपने साथी से जो फकीर और नादार था कहा, इस हाल में कि वो उससे बातचीत कर रहा था, انا اكثر منك مالا واعز نفرا, मैं तुझसे माल में बढ़ा हुआ हूं और मैं जत्थे के एतबार से भी तुझसे ज्यादा मुअज्जज हूं। यह बात उसने इस पर कही कि वो जो उसका साथी था, जो फकीर था, नादार था, लेकिन मुसलमान था, वो इसको अक्सर कुफ्र और शिर्क पर टोकता रहता था कि तू काफिर है, कुफ्र करता है, शिर्क करता है, कुफ्र अच्छी चीज नहीं है, कुफ्र अल्लाह को नापसंद है, शिर्क अल्लाह को नापसंद। तो ये साथी उसको नसीहत करता रहता था, तो उसकी बात रद्द करने के लिए उसने जुमला कहा कि देख, मैं माल में तुझसे बढ़ा हुआ हूँ, मेरा जत्था भी ज्यादा है। जो आदमी मालदार होता है उसके मिलने जुलने वाले भी ज्यादा होते हैं, सलाम करने वाले भी ज्यादा होते हैं, तो जमात के एतबार से भी मैं ज्यादा हूँ, माल के एतबार से भी ज्यादा हूँ। अब तू कहता है कि मैं काफिर हूँ, मुशरिक हूँ, अल्लाह को पसंद नहीं, तो अगर अल्लाह को मेरा कुफ्र शिर्क पसंद नहीं तो इतनी सारी दौलत मुझे क्यों दे रखी है। अक्सर मालदारों को यह धोखा होता है, कुफ्फार को यह धोखा होता है, मुसलमान को भी ये धोखा होता है कि अगर कुफार अल्लाह के नापसंदीदा हैं, अल्लाह के मबगूज हैं, मर्दूद हैं, तो अल्लाह पाक ने इनको इतना माल क्यों दे रखा है। तो ये माल दिया है इम्तिहान के लिए, ये माल दिया है आजमाइश के लिए। माल लेने के बाद, माल हासिल करने के बाद कौन अल्लाह की मानता है, कौन अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करता है। कुरान करीम में एक जगह फरमाया, फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकीन के माल और इनके औलाद आपको ताज्जुब में न डाले। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज्जिबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया वतज़हक अनफुसुहुम वहुम काफिरून, अल्लाह ताला चाहते हैं कि इन मालों के जरिए, इन औलाद के जरिए इनको सजा दे। ये माल इनके लिए नेमत नहीं है, ये औलाद इनके लिए नेमत नहीं है, ये इनके लिए अज़ाब है। इसलिए कि जो काफिर होता है, बददीन होता है और उसके पास माल होता है, तो उसकी माल की हिस्स कम नहीं होती, वो हमेशा माल को बढ़ाने की फिक्र में रहता है। एक लाख है तो दो लाख हो जाए, दो लाख है तो दस लाख हो जाए, दस लाख हुए तो बीस लाख, वो हमेशा इसी फिक्र में रहता है कि माल बढ़ता रहे, माल बढ़ता रहे, माल बढ़ता रहे, और माल के कम होने का खतरा उसको हमेशा सताता रहता है कि ये माल कम ना हो जाए, कहीं खसाना ना हो जाए। हमेशा उसकी फिक्र यही रहती है कि माल बढ़ता रहे, कहीं कम ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो ये माल उसके लिए राहत का सबब नहीं है, ये उसके लिए आज़ाद है।
और अल्लाह फरमाते हम चाहते हैं कि इनकी जान इस हाल में निकले कि ये काफिर हो, ये हमेशा मान ली के उधर गुन में लगे रहें और फिर वो कुफर की आदत में मरे, फिर हम उनको सजा दें। तो जो मुशरिकीन होते हैं उनको धोखा इससे हो जाता है, तो इसको भी ये धोखा लगा हुआ था कि अगर मैं अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं हूँ तो अल्लाह ने मुझे इतना राहत इतना माल मुझे क्यों देता। तो मुसलमानों का तेरे पास कुछ नहीं है, तू फकीर है, कंगाल है, एक एक दाने को तरसता है, परेशान है, तो ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हूँ, मैं अल्लाह का मकबूल हूँ, तभी तो मुझे इतना सब दे रखा है और तुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं तुझसे माल में बढ़ा हुआ हूँ और जत्थे के एतबार से ज्यादा मुअज्जज हूँ। वदखल जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही, और वो अपने बाग में दाखिल हुआ इस हाल में कि वो अपने आप पर जुल्म करने वाला था। एक दिन का किस्सा है कि वो काफिर जो मालदार था अपने बाग में दाखिल हुआ इस हाल में कि वो अपने आप पर जुल्म करने वाला था, वो काफिर था। जो आदमी काफिर है सबसे पहले अपने आप पर जुल्म करता है, ऐसी जो गुनाह करता है वो सबसे पहले अपने आप पर जुल्म करता है, इसलिए कि कुफर की सजा इसी को भुगतना है, गुनाह की सजा इसी को भुगतना है। अगर किसी ने किसी को सताया, किसी ने किसी पर जुल्म किया, तो जहाँ इसने उस पर जुल्म किया अपनी जात पर भी जुल्म किया, इसलिए कि उसने जुल्म करके उसको दुनिया की थोड़ी तकलीफ पहुंचाई, लेकिन जुल्म करके अपने लिए उसने आखिरत की बड़ी तकलीफ को तैयार किया। तो कुरान कहता है कि वो अपने बाग में दाखिल हुआ इस हाल में वो अपने आप पर जुल्म करने वाला था, यानी कुफ्र करने वाला था, शिर्क करने वाला था, गुरूर में मुब्तला था, शेजी मगर रहा था। और उसने कहा मा अगुन्नु अन तबीदा हाज़ी अबदा, मैं गुमान नहीं करता ये बाग कभी खत्म होगा, तो मुझे हमेशा डराता रहता है कि कुफ्र मत कर, शिर्क मत कर, अल्लाह ताला ये नेमत छीन लेंगे, कुफ्र शिर्क से अल्लाह नाराज होते हैं। तो कमा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़ी अबदा, मैं गुमान नहीं करता ये बाग कभी खत्म होगा। बाग के महफूज रहने के सारे असबाब मौजूद हैं, मेरे पास पानी मौजूद है जिससे मैं इसकी सिंचाई करता हूँ, मेरे पास माल है, हशम खदम है, नौकर चाकर है, अभी बाग कैसे खत्म होगा, ये बाग मुझे लगता नहीं कभी खत्म हो। वमा उन्नु सआता क़ायमतन, और मैं क़यामत को क़ायम होने वाला गुमान नहीं करता। तो कहता है कि क़यामत आएगी, हश्र नश्र होगा, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, तो मैं तो उसको भी नहीं मानता। मा उज़ुन्नु सआता क़ायमतन, मैं तो क़यामत को भी नहीं मानता, नहीं मानता हूँ ये बाग खत्म होगा, और नहीं मानता हूँ कि क़यामत क़ायम होगी और मुझे अल्लाह के हजूर हाजिर होना पड़ेगा। वलईन उदितु इला रब्बी लागिदन नसलम मिन्हा मुनकलबा, और अगर बिलफर्ज मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया गया तो मैं ज़रूर अपने आप को अंजाम के एतबार से बेहतर पाऊंगा। मैं क़यामत को तो और मानता ही नहीं, लेकिन तू कहता है कि चलो मैंने मान लिया कि क़यामत आएगी और मुझे अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा, तो अगर बिलफर्ज तेरे कहने के मुताबिक मुझे अल्लाह के हुजूर हाजिर किया गया तो अल्लाह मुझे इससे भी अच्छी जन्नत देंगे, इसलिए कि मैं तो अल्लाह का मकबूल हूँ, तभी तो अल्लाह ने मुझे दुनिया में ये सारी नेमतें दी हैं। और तुम कहते हो मुसलमान कि जो अल्लाह का मकबूल होता अल्लाह उसको जन्नत देंगे, जन्नत इससे बनकर होगी, तो अगर बिलफर्ज क़यामत कायम हो भी गई तो अल्लाह ताला मुझे इससे अच्छी हालत में रखेंगे, मेरा अंजाम इससे भी अच्छा होगा, लिहाजा मुझे किसी चीज का डर नहीं, किसी का खतरा नहीं। इस पर उसके साथी ने चार बातें कही। पहली बात, قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا, उससे उसके साथी ने कहा इस हाल में कि वो उससे बातचीत कर रहा था, क्या तूने इनकार किया उस जात का जिसने तुझको मिट्टी से पैदा किया, फिर मनी के पतरे से पैदा किया, फिर तुझको उसने ठीक मर्द बना दिया, तंदुरुस्त मर्द बना दिया। यानी तेरी ये जो बात है इससे ऐसा लगता है कि तू अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है। तूने कहा कि मेरा बाप कभी हलाक नहीं होगा, मेरा बाप कभी खत्म नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि तुम अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है, और उस अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है जिसने तुझको मिट्टी से पैदा किया फिर मनी के कतरे से पैदा किया। इंसान की पैदाइश के दो मादे हैं, एक मादा है बईदा दूर का मादा और एक मादा है करीबा करीब का मादा। इंसान का मादा बईदा है मिट्टी,
इंसान मिट्टी से पैदा हुआ। कैसे मिट्टी से पैदा हुआ? इंसान दरअसल पैदा होता है मणि के पतरे से, लेकिन मणि का पतरा बनता है खून से, और खून बनता है गिजा से, खुराक से। माँ बाप गिजा खाते हैं, खुराक खाते हैं, उससे खून बनता है, उसी खून से उनकी मणि बनती है, और उसी मणि से हम और आप पैदा हुए। तो इंसान पैदा होता है मणि के पतरे से, लेकिन मणि पैदा होती है खून से, और खून बनता है गिजा से, और गिजा बनती है जमीन से। जितनी भी गिजा है सब जमीन से, मिट्टी से। तो इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, ये इंसान का मादा ही बढ़ीदा है। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम जब तक जन्नत में रहे उनकी औलाद नहीं हुई, अलग वो माँ हव्वा पैदा हो चुकी थी, लेकिन वहां इंसान पैदा नहीं हुए। इसलिए कि इंसान की तखलीक मिट्टी से मुकद्दर थी। जब आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा जमीन पर आए और जमीन की गिजाएं खाई, तो उनसे उनका खून बना, उसी खून से मादा मनवीया बना, और उसी से फिर नस्ल चली, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। तो इंसान पैदा होता है मिट्टी से। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी पैदाइश पर गौर करे, पैदाइश के मादे पर गौर करे, पैदाइश के मरहले पर गौर करे, कभी बास बादल मौत का इनकार नहीं कर सकता। मुशरिकीन को शुबा यह होता है कि जब इंसान को हमने दफन कर दिया और मिट्टी में उसके अज्जा रल मल गए, ये हमारे बिरादरान वतन अपने मुर्दों को जला देते हैं और जला कर उसकी राख को उड़ा देते हैं, कभी दरिया में बहा देते हैं, तो जब ये सारे अज्जा जमीन में मुंतशिर हो गए, पानी में फैल गए, फिजा में तहलील हो गए, तब अल्लाह उनको कैसे जमा करेंगे? तो कुरान कहता है कि इंसान पैदा होने से पहले पूरी दुनिया में फैला हुआ था। इसलिए कि हमारे वालिदैन ने जो गिजा खाई वो सारी हथौड़ा में पैदा नहीं हुई थी, इसी कब्रिस्तान में पैदा नहीं हुई थी। हमारे वालिदैन ने गेहूँ खाए, हो सकता हो पंजाब के हों, बासमती खाए, हो सकता है यूपी से आए हों, बादाम खाए, हो सकता है अमरीका से आए हों, खजूर खाई, हो सकता है मक्का मदीना से आए हों। हमारे वालिदैन ने जो गिजा खाई वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। अल्लाह पाक ने वो सारी गिजा हमारे वालिदैन के सामने जमा की, उसको उन्होंने खाया, उससे उनका खून बना, उससे मादे मनवीया बना, और उससे हमारा पैदा हुए। तो हम पैदा होने से पहले पूरी दुनिया में फैले हुए थे, अल्लाह पाक ने सारी चीज़ों को हमारे वालिदैन के लिए जमा की और हम पैदा हुए। तो जो अल्लाह पहली मरतबा इन मुंतशिर अज्जा को, पूरी दुनिया में फैले हुई चीज़ों को जमा कर सकता है, क्या एक मरतबा जमा करने के बाद दोबारा जमा नहीं कर सकता? अभी दो चार फीट की कब्र में पड़े हुए हैं, ये एक इलाके में फैले हुए हैं, पहले पूरी दुनिया में फैले हुए थे। और जब आदमी एक चीज को एक मरतबा बना चुका, तो दूसरी मरतबा बनाना क्या मुश्किल? आम मतलब किसी चीज को पहली मरतबा बनाना मुश्किल होता है, जब एक मरतबा बन गई तो फिर उसका बनाना आसान हो जाता है। मोबाइल पहली मरतबा बहुत मुश्किल से बना, इतने हजार साल लग गए तब जाकर मोबाइल बना, फिर अब मोबाइल आधे घंटे में बन जाता है। टीवी वर्षों के बाद बनी, फिर अब टीवी 15 मिनट में बन जाती है। तो किसी चीज को पहली मरतबा बनाना मुश्किल होता है, दूसरी मरतबा तो आसान होता है। और अल्लाह पाक का कोई चीज मुश्किल है ही नहीं। ये पहली मरतबा का आसान होना, मुश्किल होना, दूसरी मरतबा का आसान होना, ये तो मेरे और आपके लिए है, मखलूक के लिए। वहां तो आसानी और मुश्किल चीज है ही नहीं, वहां तो सब बराबर है। वो तो हमें समझाने के लिए कहा जा रहा है कि दूसरी मरतबा का पैदा करना पहली मरतबा से ज्यादा आसान है। तो इसको कहा जा रहा है, जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, जो तेरा मादा बरीदा है, तुम्हें नुत्फा फिर नुत्फे से पैदा किया, तुम्हारी तुम्हारे वालिदैन के मादे मनवीय से पैदा किया, तुम्हें सोवा का रजुला फिर उसने तुझको तंदुरुस्त मर बना दिया। जो नुत्फा अपने मादर में पलता है, बढ़ता है, वो जरूरी है कि बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हो जाए। अल्लाह का एहसान है कि उसने तुझको ठीक मर्द बनाया, तंदुरुस्त मर्द बनाया, कभी और ताकत और मत बनाया। बहुत सी मतलब बच्चा अपाहिज पैदा होता है, कभी हाथ नहीं होता, कभी पैर नहीं होता, कभी आंखें नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि उस मणि के कतरे से उसने तुझको ठीक ठाक मर्द बनाया, तंदुरुस्त मर्द बनाया। तो उस अल्लाह का तू इनकार करता है जो इतनी कुदरत वाला है। दूसरी बात उसने कही,
لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لیکن شان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو جو عقیدہ رکھتا وہ رکھ، لیکن میں تو موحد ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اس میں اس نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، لیکن ساتھ میں اس بات پر بھی تعریف کر دی کہ تو مشرک ہے، تو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اور تو نے کیوں نہ کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب تو باغ میں داخل ہوا تو تو نے مجھے وہ جملہ کہا، انا اکثر منک مالاً واعز نفرا، میں بہت مالدار ہوں، میرا جتھا بہت بڑا ہے، مجھے اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، یعنی اللہ نے یہ باغ مجھے اپنے قدرت سے دیا ہے، اس باغ میں میرا کوئی کمال نہیں، تو یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ نے میرے لیے مال چاہا، باغ چاہا، تو اللہ نے مجھے وہ دیا. لا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا. مجھے یہ جملہ کہنا چاہیے تھا، اس کے بجائے تو نے یہ کہا. مطلب ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، تو اس پر آدمی کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس پر اللہ کا احسان ماننا چاہیے، بجائے اس کے تو فخر کر رہا ہے، اللہ کو بھول رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے. اس جملے کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بہت اچھا جملہ ہے. جب آدمی اپنے مال کو دیکھے اور وہ مال پسند آئے تو اس کو یہ جملہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ مال ہر آفت سے محفوظ رہے گا. اگر آدمی اپنے مال کو دیکھے تو فوراً کہے ماشاء اللہ، جو چیز اللہ نے چاہی وہ ہوئی. لا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قوت نہیں. علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کو پڑھ لیا جائے، اس جملے کو پڑھ لیا جائے، تو کسی چیز کو نظر نہیں لگے گی. جب آدمی اپنے بچے کو دیکھے، بچہ خوبصورت معلوم ہو، اپنی کسی اور چیز کو دیکھے تو فوراً یہ کہہ لے، تو اس سے نظر سے حفاظت ہو جائے گی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی یہ جملہ کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو گویا کہ وہ اس چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کے چاہنے سے یہ چیز مجھے ملی ہے، اس کا حسن اللہ کے چاہنے سے ہے، اس کی خوبصورتی اللہ کے چاہنے سے، ہم میں کوئی قوت نہیں تھی، تو وہ آدمی اس چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، اور اللہ اس کی ہر شر سے، ہر فتنے سے، آفت سے حفاظت فرماتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ سے کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ نے یہ آیت پڑھی، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو یہ جملہ تم نے کیوں نہ کہا. جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ بات کہے، تو وہ گھر انشاءاللہ محفوظ رہے گا. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، چوتھی بار، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اگر تو مجھے تیری نسبت کم مال والا اور کم اولاد والا دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، بس وہ چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے، پھر تو اس کو حاصل نہ کر سکے، پھر تو اس کو حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھے. یہ کہہ اس نے یہ بھی کیا تھا کہ تیرے پاس تو نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی جتھا ہے، نہ کوئی طرح ملنے جلنے والا ہے، تو تو مال کے اعتبار سے بھی کم ہے، تو اولاد کے اعتبار سے بھی کم ہے، جماعت کے اعتبار سے کم ہے، تو کبھی اگر یہ بات ہے تو امید ہے کہ اللہ مجھے تیرے باپ سے بہتر باپ دے دے. جب اللہ تجھے باپ دے سکتے ہیں تو مجھے نہیں دے سکتے، تو ہو سکتا ہے اللہ قریب زمانے میں دنیا ہی میں مجھے کوئی باپ دے دے، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں، اس لیے کہ آخرت قریب ہے.
आंख बंद हुई और आदमी आखिरत में पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला तेरे बाप से अच्छा बेहतर बाप मुझको दुनिया में दे दे या आखिरत में दे दे। आखिरत का बाप तो बेहतर होगा, दुनिया का बाप तो फानी है, खत्म होने वाला है, और आखिरत का बाप तो हमेशा रहने वाला है। तो मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं, अल्लाह ने मुझे माल कम दिया है। जो बेलुगा होते हैं, अहले यकीन होते हैं, वो माल के कम होने से नाराज नहीं होते, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहते हैं। अल्लाह की तकसीम जैसी है वो सबके मुनासिब है। कभी ऐसा होता है कि आदमी को माल मिलता है और उसका दीन जाया हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबीन को माल से ऐसे बचाते हैं जैसे तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो। कभी बीमार के लिए पानी मुजिर होता है, तो जैसे उस बीमार को तुम पानी से बचाते हो, अल्लाह अपने महबूब बंदों को दुनिया से बचाते हैं। अक्सर औलिया फकीर गुजरे हैं, अक्सर अम्बिया फकीर गुजरे हैं। पहले जितने भी अम्बिया गुजरे अक्सर उनमें फकीर थे, कुछ मालदार थे वरना अक्सर फकीर थे। तो माल कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, उसके बड़े फितने हैं, उसके बड़े हकूक हैं, उनको अदा करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने कहा कि अगर तू मुझे माल के एतबार से, औलाद के एतबार से तुझसे कमतर देखता है, तो हो सकता है कि मेरा परवरदिगार मुझे तेरे बाप से बेहतर बाप दे दे, या तो दुनिया में या आखिरत में। वयुसिल अलैहा खुस्बानम मिनस समा, और तेरे बाप पर कोई आफत भेज दे आसमान से, कोई भगोना भेज दे, कोई आग की आग भेज दे। बस तेरा बाप जटिल मैदान हो जाए। कभी कभी आग आती है आसमान से तो इस तरह बाप को खत्म करती है कि तो उसका नामो निशान मिट जाता है, बिल्कुल जटिल हमवार मैदान हो जाता है। तो वो जटिल मैदान हो जाए और उसमें माँ वो तो रहा, या उसका पानी गहराई में चला जाए। अभी तेरी नहर जारी है जिस पर तुझे ये गुरूर है, फख्र है कि इस नहर से मैं इस बाग की सिंचाई करता रहूंगा, बाग कैसे खत्म होगा। हो सकता है पानी गहराई में चला जाए, तह में चला जाए और तू उसको निकाल ना सके। बाज इलाकों में पानी इतना गहरा होता है कि निकालना मुश्किल होता है। तो अगर पानी की जमीन की तह में पानी चला जाए तो तू अपने बाग की सिंचाई कैसे करेगा। और तू उसको तलब भी ना कर सके, हासिल करना तो दूर की बात है, तू उसको तलाश भी ना कर सके, उस तक पहुंच ही ना सके, तो तेरा बाप इस तरह जाहिर हो सकता है। ये सारी बातें उसको समझाई, उसके बाद बात आई गई हो गई, ये अपनी जगह चला गया, वो अपनी जगह चला गया। उसकी कुछ मुद्दत के बाद आगे वाला किस्सा पेश आया, और उसके बाप को, उसके माल को घेर लिया गया, उसके माल का इहाता कर लिया गया। मीन जाने बिल्ला उसकी पकड़ हुई, क्योंकि वो जिद्दी था, गुरूर और शेदी का शिकार था, इसकी नसीहत की वजह से कोई असर नहीं हुआ। वो अपने कुफर पर, अपने गुरूर पर बाकी रहा, उसकी नहुसत ये हुई और उसी तभी समझी। उसके माल को घेर लिया गया, यानी उसके माल को अल्लाह की तरफ से एक आफत ने घेर लिया, बाप भी खत्म हो गया और जितना कुछ माल सामान उसके पास वो सब खत्म हो गया। और उसके माल को इहाता कर लिया गया, उसके माल को घेर लिया गया। फअसबह युकल्लिकु कफ्फैही, बस वो अपने हाथ मलने लगा, खाली हाथ रह गया और हाथ मलने लगा। कि जो बाप था वो भी गया, और बाप पर जो सरमाया लगाया था, बाप ने जो पैसा लगाया था वो भी गया। फअसबह युकल्लिकु कफ्फैही, बस वो अपने हाथ मलने लगा। अलामा अनफक फीहा, उस माल पर जो उसने उस बाप ने खर्च किया था। वही खाबियतुन अला उरूशिहा, और वो बाप अपनी टट्टियों पर गिरा हुआ था, यानी उस बाप की जो टट्टियां थी वो जमीन पर गिरी थी। अंगूर का जो बाग होता है तो उसकी बेलों को टट्टियों पर चढ़ाया जाता है, छोटे छोटे छप्पर बनाए जाते हैं, छोटी छोटी बाड़ बनाई जाती है लकड़ी की, और उस पर अंगूर की बेलें होती हैं। तो जब वो भगोना आया तो सारी टट्टियां जमीन पर आ गई। वो बाप अपनी टट्टियों पर गिरा हुआ था, वो यकूल और वो कह रहा था, या लैतनी लम मुशरिक बि रब्बी अहदा, ए काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न करता। जब बाप जाहिर हो गया, बाप खत्म हो गया, तब उसको एहसास हुआ और अफसोस करने लगा, ए काश मैं अपने रब के साथ शिर्क न करता। यानी उसको इसका अंदाजा हो गया, ये जो आफत आई है मेरे शिर्क की वजह से आई है, मेरे कुफर की वजह से आई है, लेकिन अब अफसोस करने से क्या क्या फायदा। जब चुप गई चिड़िया खेत, वो यकूल या लैतनी लम उशरिक बि रब्बी अहदा, और कहने लगा, ए काश मैं अपने परवरदिगार के साथ शिर्क न करता।
तो इससे मालूम हुआ कि अगर आदमी के पास माल हो तो उसको उसका हक अदा करना चाहिए, और अल्लाह पाक ने माल पर बहुत थोड़ा हक रखा है। अगर साहिब निसाब है तो 2.5% अदा करना है, बाकी सब अपना। 100 में से 2.5 रुपये, 1000 में से 25 रुपये, 40000 में से 1000 रुपये अल्लाह की राह में देना है, 39000 अपने। अलबत्ता उसके अलावा जो दूसरे माली हकूक हैं वो भी अदा करना है, ये तो ज़कात है। लेकिन इंसान के दूसरे भी हकूक होते हैं, वालिदैन अगर ज़ईफ़ हैं, कमाने के काबिल नहीं हैं तो उनकी मदद करना, औलाद अगर नाबालिग है तो उनका हक अदा करना, ऐसे ही दूसरे रिश्तेदार। तो अगर आदमी माली हकूक अदा करता रहेगा तो उसका माल महफूज भी रहेगा और उसके माल में बरकत भी होगी। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसकी रोजी में बरकत हो तो उसको सिला रहमी करना चाहिए, रिश्तेदारों के हकूक अदा करना चाहिए। हज़रत शेख फरमाते हैं कि दुनिया में लोग दो चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, एक जिंदगी के लिए और दूसरे माल में बरकत के लिए। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गारंटेड इलाज बताया है। जो आदमी चाहता है कि उसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, उसका सिला रहमी करना है, रिश्तेदारों के हकूक अदा करना चाहिए। और सिला रहमी का क्या मतलब? सिला रहमी का मतलब यह है कि कोई रिश्तेदार ताल्लुक तोड़े, आप उसे ताल्लुक जोड़े। कोई रिश्तेदार आपका हक अदा नहीं कर रहा है, आप उसका हक अदा करें, यह सिला रहमी। हदीस शरीफ में आता है, लैसल वासिल बिल मुकाफी, लैसल वासिल बिल मुकाफी, बदला देने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं है। आजकल हम सिला रहमी इसको समझते हैं कि वो हमारा हक अदा करेगा तो हम उसका हक अदा करेंगे, ये सिला रहमी नहीं, बदला है। सिला रहमी ये है कि वो ताल्लुक तोड़ रहा है, आप ताल्लुक जोड़ें, वो आपका हक अदा नहीं कर रहा है, आप उसका हक अदा करें। तो सिला रहमी से माल में बरकत होती है और उम्र में बरकत होती है। तो आदमी के पास जो भी माल हो उसमें दूसरों का जो हकूक है वो अदा करे तो इंशाल्लाह माल महफूज भी रहेगा और उसमें बरकत भी होगी। आगे फरमाते वलम तकुल लहु फियतुन यंसुरुहु, और उसके पास कोई ऐसी जमात नहीं थी जो जमात उसकी मदद करे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। वो कहता था कि मैं जत्थे के एतबार से बड़ा हूँ, अअज्जु मिनका नफरा, मेरी जमात बहुत बड़ी है। कुरान कहता है जब यह आफत आई, जब उसके बाप को खत्म किया तो उसके पास कोई ऐसी जमात नहीं थी जो उसकी मदद करे अल्लाह के मुकाबले में। वमा काना मुंतसिरा, और वो खुद भी बदला देने वाला नहीं था, उस पर भी इतनी ताकत नहीं थी कि अल्लाह से बदला ले सके। अल्लाह की तरफ से आफत आई थी, आसमानी आफत आई थी, सैलाब आ गया, आदमी क्या कर सकता है, जलजला आ गया, आदमी क्या कर सकता है, आसमान से आग आ गई, आदमी क्या कर सकता है। तो न जमात ने उसकी मदद की जिस पर उसको बड़ा फख्र था, गुरूर था, न खुद अल्लाह तबारक व तआला से बदला ले सका। हुनालिक वलायतु लिल्लाहि हक, ऐसे मौकों पर अल्लाह ही के लिए नुसरत है जो बरहक है, ऐसे मौके पर अल्लाह ही मदद कर सकते हैं और कोई मदद नहीं कर सकता। मोनालिक ऐसे मौके पर मदद अल्लाह ही के लिए जो बरहक है, अल्लाह के अलावा कोई आदमी मदद नहीं कर सकता। इसलिए आदमी को अपना ताल्लुक अल्लाह से दुरुस्त रखना चाहिए, अल्लाह की इताअत करना चाहिए, अल्लाह की फरमाबरदारी करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह की मदद हमेशा मुतीईन के साथ होती है, फरमाबरदारों के साथ होती है। जो नाफरमानी करते हैं, अल्लाह से बगावत करते हैं, उनके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती। वह खैरुन सवाबा वह खैरुन उकबा, वो बदले के एतबार से बहुत बेहतर है और अंजाम के एतबार से बहुत बेहतर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो बदला देंगे वो बेहतर बदला देंगे, थोड़ी सी नेकी पर बहुत अच्छा बदला देंगे। और जो आदमी अल्लाह से ताल्लुक रखेगा उसका अंजाम भी अच्छा होगा। अगर ये आदमी मुसलमान होता और इसका बाप दुनिया में खत्म हो गया होता तो उसको आखिरत में अजर मिलता। हदीस शरीफ में आता है, मुसलमान का जरा सा भी नुकसान होता है तो उसको सदके का सवाब मिलता है। लेकिन ये आदमी काफिर है, आखिरत को मानता ही नहीं, तो उसके लिए आखिरत में कोई अजर नहीं। तो ये आदमी दुनिया में भी खसारे में रहा और आखिरत में भी खसारे में रहा। अगर ये मुसलमान होता और फिलफर उसका बाप दुनिया में खत्म हो जाता तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर और सवाब उसको आखिरत में इस बाप से बदल जहाँ बेहतर देते। इसलिए असल चीज ईमान है और कुफ्र शिर्क बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ताला हम सब की उससे हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाए और अल्लाह हम सबको अपना मुजीब फरमाबरदार बनाए। आमीन।
رؤسائے قریش کو سنانے کے لیے قصہ بیان کیا ہے،